नमस्कार, स्वागत है आपका डीजीएनआई न्यूज़ में और मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विशेष। और विशेष में आज हमसे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी मोघे जी। हालांकि उन कई सारे पदों पर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, इंदौर नगर निगम के महापौर रह चुके हैं, लेकिन संगठन ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनको उनके हाथ में सौंपी है और वो है लोगों को आवास उपलब्ध करवाना। हम उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस तरह से लोगों को आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है। मोघे जी, स्वागत है आपका डिजिना न्यूज़ में। धन्यवाद मोघे जी। सीधी सीधी बात करते हैं, आपने तो बहुत संगठन भी देखा है, आपने इंदौर नगर निगम को भी बहुत व्यवस्थित चलाया है, आप सांसद भी रहे हैं। अब एक संगठन ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो है हाउसिंग बोर्ड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तो शिवराज सिंह चौहान ये चाहते हैं कि देश ही नहीं प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के घर पर सर पर एक छत हो। उसके चलते मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड क्या करने जा रहा है? जहां तक इंदौर की बात करते हैं तो हमें मालूम पड़ा है कि आप होप टेक्सटाइल जो मिल है उस पर कोई योजना ला रहे हैं। देखिए, हाउसिंग बोर्ड की जिम्मेदारी मिलने के बाद जी सामान्यतः बीच में हाउसिंग बोर्ड का काम हो गया था एजेंसी का काम करना। जी हाँ। और इसलिए जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स रहते थे उनमें एजेंसी का काम अधिक मात्रा में करने का काम ये गृह निर्माण मंडल करता था। जी। किंतु मैंने बनने के बाद, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है गरीबों को मकान उपलब्ध कराना जी, और आज प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है और संकल्प है जी कि 2022 तक कोई भी परिवार ये आवासहीन नहीं रहेगा। और मुख्यमंत्री जी ने भी उस आधार के ऊपर मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की है जी। हमने शॉर्ट टाइम एक टारगेट निर्धारित किया है कि मार्च 2018 तक ये 25,000 निम्न आय वर्ग के और मध्यम आय वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध कराना। ये संभव है 2018 आने को ही है, मार्च 2018 जी। और इसमें आज की तारीख में हमारे लगभग 7,500 EWS जी, EWS का मतलब लगभग 300 से 350 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया रहता है जी। इसमें एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, लेट बाथ, किचन जी, ये सुविधा है। छोटे परिवार के लिए सफिशिएंट होता है जो? हाँ, छोटा जो परिवार है उसके लिए पर्याप्त तो होता है जी। और 5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए के बीच में इसकी कीमत है जी। इसमें दो बातों का हितग्राही को लाभ और है कि ये जो मकान होगा इसको हम 15 वर्ष के लिए फाइनेंस करवाते हैं, बैंकों से हमारा टाई अप है जी। और इसमें 6.5% ब्याज का अनुदान ये अटल आश्रय योजना के अंतर्गत उसको प्राप्त होता है जी। और जिस समय इसकी रजिस्ट्री होती है वो भी केवल उसको 1,000 रुपये के स्टाम्प के ऊपर हो जाती है जी, रेवेन्यू शुल्क नहीं लगता जी। अभी मैंने 4 दिन पहले यहाँ इलाहाबाद बैंक से टाई अप किया है जी हाँ, और उन्होंने 8.5% के ऊपर फाइनेंस करने का हमको निश्चित किया है जी हाँ, और वो MOU हमारे साइन हुए हैं जी हाँ। और इसलिए अब अगर ये 8.5% उसको ब्याज लगेगा तो केवल उसको 2% ब्याज देना होगा और इलाहाबाद बैंक 30 वर्ष के लिए फाइनेंस करेगी जी। वैसे ही हमने लगभग 5,500 ये LIG के ऊपर हमारा भी काम प्रारंभ है जी। LIG में 2 बेडरूम रहते हैं और बाकी लेट बाथ किचन, उसमें लेटरिन भी 2। उसकी दर क्या रखी है आपने 2 बेडरूम वाले की? उसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए से लेकर 13.5 लाख के बीच में पड़ती है जी। और बाकी ये सुविधाएं उसके ऊपर भी है जी हाँ। जिस परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है जी हाँ, उसको ये 6.5% ब्याज और 1,000 रुपये के स्टाम्प के ऊपर उसकी रजिस्ट्री। निश्चित रूप से सरकार चाह रही कि कहीं ना कहीं लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाए। इंदौर के होपस्टाइल जो मिल थी उस पर भी हाउसिंग बोर्ड ने कोई अभी तो टोटल जो मध्य प्रदेश का मैंने बताया 5.5-7.5 ये है, 2,000 हमारे फ्लैट्स हैं जी हाँ, और फिर MIG LIG वगैरह ये है वो जी। जहाँ तक इंदौर का प्रश्न है, इंदौर में भी हमारे लगभग 450 के करीब मकान ये राव के पास में बन रहे हैं जी हाँ, इसमें बुकिंग हो गए और सब प्रकार के इसमें 450 में मकान है जी हाँ। मगर इसमें भी EWS LIG ये काफ़ी है और EWS की हमारी पूरी बुकिंग हो गई जी हाँ। और अभी अन्य लोगों को प्राप्त हों तो 7 एकड़ हमारे पास में और ज़मीन है, उसके ऊपर हम दूसरा प्रोजेक्ट प्रारंभ कर रहे हैं
और सब सरकार का ही इंदौर विकास प्राधिकरण है, उज्जैन विकास प्राधिकरण है, तमाम तरह के प्राधिकरण है, और मध्यप्रदेश हाउसिंग सोसाइटी जो हाउसिंग सोसाइटी है काफ़ी पुरानी है। ऐसे में इतने सालों तक ये पीछे क्यों रही और आइडिया इतने आगे क्यों निकल गया? जैसे आप जैसे लोग अब आए हैं जो सोच रहे हैं व्यवस्थित विकास करना चाहते हैं और लोगों को आवास उपलब्ध कराने की। नहीं, आज तो हमारा काम इन दोनों की ही तुलना में बहुत आगे है। जी हाँ, और जैसा मैंने कहा कि हम कॉलोनी जो डेवलप कर रहे हैं, अब अगर ये कादंबरी और कामायनी जो राव के पास में हमारी कॉलोनी अभी डेवलप हुई है उसको आप देखेंगे तो सर्व सुविधा युक्त है। मैं समझता हूँ कि इंदौर की अच्छी कॉलोनी में जो सुविधा नहीं, वहाँ सीमेंट कंक्रीट की रोड है, गार्डन है, नर्मदा का पानी है, सीवरेज लाइन है, और यहाँ तक कि उसमें अभी हमने एसटीपी के प्लांट भी कर रहे हैं ताकि जो वहाँ से सीवरेज निकले वो वही उसका निराकरण हो जाए, अब फिल्टर हो फिल्टर हो जाए। और ऐसे छोटे छोटी जगह जी मतलब झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बड़वानी में अभी हमने 156 मकान दिए, झाबुआ में 100 मकान दे दिए, 100 और देने वाले जी। तो ऐसे छोटे छोटे स्थानों के ऊपर, और उसका परिणाम ये है कि आज हमारी बुकिंग ये बहुत जल्दी होती है। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि लोग पहले आईडीएस के पास जाते थे, मतलब प्राधिकरण जो विकास प्राधिकरण होता है उससे डिमांड करते थे, उनके आगे पीछे चक्कर लगाते थे, लेकिन हाउसिंग बोर्ड को भूल गए थे। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है आपको कि हाउसिंग बोर्ड की तरफ लोग वापस आकर्षित हो रहे हैं? क्योंकि आईडीए की नीति और हाउसिंग बोर्ड की नीति लगभग एक जैसी, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड भी लीज पर देता है और आईडीए भी लीज पर देता है। निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि अभी हाउसिंग बोर्ड के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है, और उसका उदाहरण है कि अभी हमने दमोह के अंदर लगभग 860 मकानों का प्रोजेक्ट दिया जी, और उसमें हमारी शुरुआत में बुकिंग 1300 की आई, वहाँ ड्रा डालना पड़ा। जी जी, शिवपुरी में लगभग 400 मकानों का जी प्रोजेक्ट लिया, वहाँ पे हमारी उससे ज़्यादा बुकिंग आई शिवपुर में जी। इसका मतलब यह है कि जो गृह निर्माण मंडल अब मकान बना रहा है उसके प्रति लोगों का रुझान और विश्वास ये दोनों बढ़ा है, क्योंकि हमने गुणवत्ता के ऊपर विशेष ध्यान दिया, और इसलिए अब जो कॉलोनीज हमारी डेवलप हो रही हैं उसमें किसी प्रकार की शिकायत न आए इसकी पूरी चिंता कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो पुरानी कॉलोनियाँ भी बन गई थी जी, और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ठीक से नहीं हुआ जी, या जहाँ पे किया और ठीक नहीं था वहाँ पे भी हमने पैसा लगाना शुरू किया है, उसमें कुछ कॉलोनीज के लिए अभी हमने पैसा रिलीज किया है। और इसलिए मेरी प्राथमिकता है जी कि हाउसिंग बोर्ड की जो इमेज है ये अच्छी होना चाहिए जी, इसकी साख बढ़ना चाहिए। इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर में अब इतनी जगह नहीं बची है शहर के आसपास, और हाउसिंग बोर्ड भी अब ऐसी कोई योजना नहीं ला पाया है बड़ी बड़ी, जैसे इंदौर विकास प्राधिकरण करता है कि शहर के आसपास की ज़मीनों को एक्वायर करता है, उन्हें उन पर योजना लागू करता है। क्या हाउसिंग बोर्ड इस तरह की कोई योजना ला रहा है जिसके अंतर्गत ये किया जाए कि आसपास की ज़मीनों को एक्वायर किया जाए और फिर लोगों को सस्ते मकान और आवास उपलब्ध करवाया जाए? नहीं, देखिए, ज़मीन एक्वायर करने के बाद में आज जो समस्या है उसमें ज़मीन एक्वायर करके हम गरीबों को मकान नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें ज़मीन की कास्टें इतनी पड़ जाती जी। इसलिए परचेज करना ये ज़्यादा एक्वायर करने से ज़्यादा ठीक है, और उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। अभी तो इंदौर का जहाँ तक सवाल है तो हम CHL अपोलो के पीछे जी ये लगभग 16 फ्लैट बना रहे हैं जी, और ये 16 फ्लैट भी रीजनेबल प्राइस के ऊपर लोगों को उपलब्ध होंगे। मैं समझता हूँ कि जो पुराने बंगले थे आपने उनको तोड़ के शायद रिनोवेट किया, पुराना वहाँ रेस्ट हाउस था जी हाँ, उसको हमने डिसमेंटल करके जी, क्योंकि इतनी बड़ी जगह में 10,000 स्क्वायर फुट की ज़मीन थी, हमने कहा 16 परिवार रहेंगे जी, और इसलिए रेस्ट हाउस हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे जी, और ये 16 फ्लैट बना रहे हैं जी। दूसरा, उसी प्रकार से लोगों को सस्ता पड़े इसलिए जो होप टेक्सटाइल है जी, ये 92 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, और इसलिए इसमें हमने दोनों प्रकार के प्रोजेक्ट लिए। पहला कमर्शियल है जो 5 मंजिल बनेगा, और इसमें विशेष रूप से जो छोटे व्यवसायी हैं गारमेंट्स के, जो बड़े व्यापारी हैं वो तो अपने अपने उनके कारखाने हैं, मगर जो 150-150 कारीगरों को लेके बैठा हुआ है वो आज अगर अपन देखें तो राजवाड़े के आसपास घरों के अंदर अपना कारखाना चलाता है, सही चल रहा है। ऐसे लोगों को ताकि वो उन मजदूरों को भी ठीक स्थान काम करने के लिए मिल सके जी, और इनको प्रमोट किया जा सके जी, इसलिए अधिकतम उसमें हम बुकिंग या गारमेंट से की करेंगे, और बाकी भी मार्केट उसमें देंगे, और रीजनेबल प्राइस के ऊपर उसको देने का हमारा विचार है।
दूसरा उसके पीछे बीच में हमने लगभग एक बीघे के अंदर ये गार्डन रहेगा और पीछे हम हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं जो शायद इंदौर की पहली बिल्डिंग होगी 15 मंजिल उस बिल्डिंग को बना रहे हैं और 15 मंजिल बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि उसकी कीमत कम हो जाएगी कॉस्टिंग कम हो जाए और मैं समझता हूँ कि उसको अभी हमारा विचार चला है कि उसके टेंडर करना या हमने कीमत डिक्लेयर करके बुकिंग करना बोर्ड में उसके ऊपर निर्णय हो जाएगा मगर मेरा प्रयास रहेगा कि हम कीमत का निर्धारण करें और 10% जो कुछ भी हमारी लागत लगी उसके ऊपर प्रॉफिट लेते हुए ताकि निम्न और सामान्य आय वर्ग के लोग भी उन फ्लैट को ले सकें और इसलिए ये 15 मंजिल मकान बना रहे हैं। जहाँ तक अन्य इंदौर में सवाल है तो आज ज़मीनों की समस्या और हमने परचेस करने के लिए 3-4 जगह प्रयास किए हैं वो शासकीय भूमि है उसके ऊपर भी प्रयास कर रहे हैं जी तो वो मिलेगा तो और प्रोजेक्ट हम इंदौर के अंदर प्रारंभ करेंगे। तो शहर के मध्य में स्थित है सियागंज और वहाँ पर जो आबकारी विभाग की ज़मीन है जिसे दारू गोदाम कहा जाता था क्या हाउसिंग बोर्ड उस तरफ भी कोई ध्यान दे रहा है वहाँ पर भी कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना? आबकारी विभाग की जो ज़मीन के ऊपर हम प्रयास कर रहे हैं वो वास्तव में रेजिडेंशियल नहीं है कमर्शियल एरिया है और आप देखेंगे कि इंदौर ये एक व्यवसायिक बड़ा केंद्र है और जैसा केंद्र है वैसे उस मार्केट के नाम होना चाहिए और अगर आज हम देखते हैं तो सियागंज किराने का बहुत बड़ा मार्केट है मगर इतना बड़ा मार्केट होने के बाद में भी उसका एक जो ग्राफ दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा वैसा वो नहीं दिखता और इसलिए ये जो आबकारी विभाग की ज़मीन थी इसके ऊपर मैंने प्रयास किया है और वो ज़मीन का हमारा अब साधिकार समिति के समक्ष वो प्रकरण है वो मिलेगा तो उसमें एक हम ऐसी अच्छा मार्केट ताकि बड़े बड़े जी किराने के ये शोरूम डल सके और जैसा सियागंज का नाम है उस ढंग से उसको मार्केट डेवलप हो सके ये हमारा प्रयास है जी। अब साधिकार समिति में उसमें निर्णय है और उसके नीचे की प्रक्रिया हमने पूरी कर ली जी। हमारे और आबकारी विभाग के लोकल स्तर के ऊपर टाई अप हुआ यहाँ से योजना समिति ने उसका प्रस्ताव भेज दिया है मंत्रालय ने भी उसकी स्वीकृति दी है मगर इसका निर्णय जो है वो CS की अध्यक्षता में एक साधिकार समिति उसके अंतर्गत होता है। मैं समझता हूँ अगली जो भी बैठक होगी उसमें यानी इंदौर को ये 2 सौगातें मिलने वाली है हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक होप टेक्सटाइल वाली जो योजना है वो और दूसरा जो दारू गोदाम वाली योजना है उसको तकरीबन नज़दीक आ चुकी हैं इनको कभी भी स्वीकृति मिल सकती है। एक हाउसिंग बोर्ड पर काफ़ी बड़ा विश्वास किया गया है और वो विश्वास ये किया है कि ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी हाउसिंग बोर्ड को दी है। क्या ग्वालियर नगर निगम इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है जो स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी हाउसिंग बोर्ड को दी? नहीं अब वो हमारी तरफ काम आया है हम उसको करेंगे ठीक से। तो ऐसा क्यों ग्वालियर की कोई स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी हाउसिंग बोर्ड को क्यों? क्योंकि जहाँ भी हम देख रहे हैं ग्वालियर वाला जो प्रोजेक्ट है ये बहुत पुराना है जी जी वहाँ पर अपना क्या नाम से एक पूरा क्षेत्र है थाटीपुर कहलाता है जी इसमें पूरे कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स बने हुए थे जी और उन सब क्वार्टर्स को हटा के अच्छा उसको डेवलप करने का काम ये इसकी एजेंसी सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को मुकर्रर की थी जी किंतु उसमें जिस ठेकेदार ने उसका ठेका लिया था उसने काम किया नहीं क्योंकि वो PPP मॉडल पे था जी और इसलिए उसकी 5 करोड़ रुपया अनेस्ट मनी ये जब्त हाउसिंग बोर्ड ने की थी जी वो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें निर्णय दिया कि CS इसके ऊपर निर्णय करे जी वहाँ पर निर्णय हो गया था किंतु पिछले 5 वर्षों में उसका डिसीजन ही CS ने लिखा नहीं था जी मैंने उसका पीछे पढ़ के डिसीजन करवा दिया वो 5 करोड़ रुपए की उसकी अनेस्ट मनी जब तो होके हाउसिंग बोर्ड के उसमें आई है और अब उसके रीटेंडर करने की प्रक्रिया जी के लिए पूरा प्रोजेक्ट तैयार है जी किंतु वहाँ से नरेंद्र सिंह जी हैं माया सिंह जी हैं तो मैं नरेंद्र सिंह जी से बात की है कि एक बार वो सब लोगों को बुला लें ताकि लोकल लोगों की भी उसमें कोई सजेशंस है जी कोई आपत्ति है तो उसका भी निराकरण इसी लेवल के ऊपर कर दिया जाए बाद में कोई झंझट ना आए। आपने संगठन चलाया तो आपकी कार्यशैली यही रही कि सबकी राय ली जाए उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए आपकी सोच यही रहती है हमेशा ये देखने में आया है।
नहीं, ऐसा है कि कोई प्रोजेक्ट प्रारंभ होने के बाद में उसमें बाद में लोग आपत्तियां लगाएं जी और व्यर्थ में वो डिले हो, इससे अच्छा यह है कि प्रोजेक्ट प्रारंभ करने के बाद में भी उसमें जो कुछ भी प्रारंभ करने के पहले ही उस सब बातों का निराकरण हो जाना चाहिए। जहाँ तक मैं ऐसा मानता हूँ, अब ये जो हमने होप टेक्सटाइल वाला ही प्रोजेक्ट लिया है, इसमें मैंने 250 प्रमुख व्यापारियों को बुलाया था, क्योंकि हमने माल उनको देना है, उनके भी अगर बायर कौन है उसका, हाँ खरीदार कौन, तो आज उसमें सम्मिलित कर दिए जाए। जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और इसलिए उस आधार के ऊपर मैं समझता हूँ वो 30 का बहुत पुराना प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड के पास है जो समाप्त जैसा हो गया था, किंतु उसको पुनर्जीवित करके और काम करेंगे। और मैं समझता हूँ ग्वालियर में वो प्रोजेक्ट आने के बाद में, क्योंकि लगभग 5,000 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। थोड़ी सी राजनीति बात कर लेता हूँ मैं आपसे। आपको तो संगठन चाहता है कहीं ना कहीं किसी ऐसे मुकाम पर बिठाए जिससे पूरी पार्टी को लाभ पहुँचे, और आपसे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जुड़ता चला जाता है, क्योंकि आप संगठन मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, महापौर भी रहे हैं, और एक आपका कार्यशैली अलग तरीके की। राज्यसभा के लिए क्या आपका नाम जरूर चला था, लेकिन आपको देखिए ऐसा है कि राज्यसभा के लिए मेरा नाम इलेक्शन कमेटी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी ने रखा, हालांकि मैं उसी समय कहने वाला था जी, क्योंकि मैं ये जानता था कि अभी जो कुछ भी ये गृह निर्माण मंडल का काम मेरे को दिया और ये प्रायोरिटी है जी, और इसलिए 1 साल का इसमें कार्यकाल शेष है, इस बीच में इससे हटा के वहाँ भेजेंगे इसकी संभावना कम थी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पार्टी ने जो काम दिया जी, तो व्यक्ति काम कैसा करता है उसके ऊपर उस काम की बिल्कुल जिम्मेदारी इसी को दी जाती है। और गृह निर्माण मंडल का काम अगर मेरे को मिला है और आज वो जैसे स्थिति में आ रहा है जी हाँ, तो मेरा सोचना ऐसा है कि 1 वर्ष का जो और समय है इसके अंदर इसके रिजल्ट लोगों को दिए जाएं, अधिक से अधिक हम गरीबों को मकान और अच्छी क्वालिटी के उपलब्ध करा पाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बीच में गृह निर्माण मंडल की जो साख थी काफ़ी डैमेज थी, और आज अगर वो साख ठीक होती है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और मेरा ये प्रयास है कि उस साख को ठीक करने के लिए जी। और ये विश्वसनीयता तो लोगों को जब मकान मिलेंगे और वहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी तो उसके ऊपर निर्भर होंगे। अभी तो मैंने जैसा बताया कि लगभग 18,000 मकानों के ऊपर काम चल रहा है, 5-7,000 पाइपलाइन में है जी। तो मेरी भी प्राथमिकता यह है कि मैं ये 25,000 मकान जो हमारा कमिटमेंट है उसको पूरा करके मार्च 18 तक लोगों को उपलब्ध कराऊं। जी सब, आपने 5 साल नगर निगम दिखाया, महापौर के रूप में काम किया है आपने, कई सारे विकास कार्य किए, और आपके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद निश्चित रूप से बीजेपी कैंडिडेट को बहुत फ़ायदा मिला, और एक बार फिर से मालिनी गोड़ जो बीजेपी कैंडिडेट थी उनको महापौर बनने का भी मौका मिला। आप क्या देखते हैं, इंदौर शहर जो स्वच्छता में नंबर 1 आया भारत में, आपको क्या लगता है ये नगर निगम की एक्चुअल काम किया गया है या दिखावा है? नहीं, जहाँ तक देखिए नगर निगम का काम है ये रोजमर्रा का काम है, और जो सफाई वाला काम है ये तो प्रतिदिन का काम है, और निश्चित रूप से इसके ऊपर जितना ध्यान दिया गया और आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी की भी प्रायोरिटी है जी, इसलिए अमृत योजना के अंतर्गत जितने संसाधन ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराए हैं, और मोदी जी का स्वप्न है जी कि स्वच्छ भारत, और इसलिए एक पब्लिक के अंदर भी उसकी जागरूकता आई है जी हाँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें जो काम हुआ डोर टू डोर नीति, डोर टू डोर वाली नीति तो आपके कार्यकाल में ही आ गई थी, आपने तैयार की थी इसे? नहीं, डोर टू डोर मेरे कार्यकाल में हमने कुछ वार्डों के अंदर प्रारंभ किया था जी, और उसका जो खर्च आ रहा था जी, उस खर्चे के लिए उस समय कोई अनुदान ये सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से नहीं था, और इसलिए निगम की ये स्थिति नहीं थी कि उतना खर्च हम अपने उससे कर सकें जी, और अगर लोगों से हम वो लेते हैं पैसा उसका तो वो कुछ मेरी कॉन्शियस उसको अलाउ नहीं करती थी जी, और इसलिए हम उसको व्यापक रूप में नहीं कर सके। आज वो काम किया गया है, और जैसा मैंने कहा जी कि आज
सेंट्रल गवर्नमेंट का मोदी जी का भी स्वप्न होने के कारण अमृत योजना के अंदर जो फाइनेंस हुआ है निश्चित रूप से उसका भी लाभ जनता को भी और निगम को भी मिला जी। ये अतिरिक्त फंड हमारे समय नहीं आए थे जी। एक चीज़ और सर, इंदौर को स्मार्ट बनाने की कवायद की जा रही है, स्मार्ट सिटी के नाम पर सैकड़ों मकान तोड़ दिए जाते हैं। आपने जितने भी विकास कार्य किए हैं, मैंने आपके कार्यकाल को बहुत नज़दीक से देखा महापौर के 5 साल के, तो विकास करने के लिए क्या विध्वंस करना ज़रूरी है? कई सैकड़ों लोगों को के मकान तोड़ दिए गए सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। नहीं, अब शहर के बीच में काम होगा जी, तो ये दिक्कत आने वाली है। और उसका कारण है कि जिस समय पुरानी बस्तियां कहीं पे भी बसी हो, उस समय ना मास्टर प्लान था जी, न इतना ट्रैफिक था, न वाहन थे जी। आज जिस तेज़ी के साथ में वाहन और ट्रैफिक और ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, उसके कारण रोड्स का चौड़ा होना, रोड्स बनना, ये तो आवश्यक है। अब उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाए जी, ये जिसके हाथ में बागडोर है उसके सोचने के ऊपर निर्भर करता है। और इसलिए मैं उस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से सड़कें चौड़ी होना चाहिए, बनना चाहिए, मगर अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में लोग बहुत सहयोग देते हैं। बिल्कुल सही है। और ये सहयोगात्मक रुख रहे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, तो निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण उसमें से जन सहयोग प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे समय पे भी कई मैंने रोड जी इसीलिए मैंने अतिक्रमण हटाए, और मैं और लोगों का धन्यवाद भी देना चाहूँगा जी कि जिन्होंने उसमें हमको सहयोग दिया। लाखों रुपए की जमीन ये बात करने के बाद में दी, किसी प्रकार के हमको झंझट नहीं करना पड़े। BRTS की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि गाइडलाइन के मुताबिक लगभग 300 करोड़ रुपए की ज़मीनें हमको BRTS लोगों ने दिया, अन्यथा BRTS बन नहीं सकता था जी। तो जनता की भावना भी जो मोदी जी कर रहे हैं जगाना जी, और उसने भी कुछ देश निर्माण, अपने स्टेट के निर्माण में, अपने शहर के निर्माण में योगदान करना चाहिए। वो भावना अगर जगाएंगे तो स्मार्ट सिटी को बनाने में बहुत आसानी होगी जी, ऐसा मैं मानता हूँ। सब अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ मैं, आपका राजनीतिक सफर बहुत लंबा है, इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं दिखते आपको राजनीति करते करते वक्त हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड के बाद अब अगली स्टेप आपकी क्या होगी? क्या आप लोकसभा लड़ना चाहेंगे इंदौर से, या विधानसभा लड़ना चाहेंगे? क्या आपने क्या प्लानिंग कर रखा? क्योंकि आप हमेशा जब जब मैंने ये सवाल किया आपसे, कितने सारे इंटरव्यू किए, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब देते हैं, वो जवाब ये रहता है आपका कि जो संगठन जिम्मेदारी देगा उसका निर्वाह करूँगा। आपके मन में क्या चल रहा है? नहीं देखिए, इसमें तो व्यक्ति ये अपने बारे में निर्णय नहीं कर सकता, कुल मिला के पार्टी ही निर्णय करती है। और आगे आने वाले समय में पार्टी मेरे को किस प्रकार के दायित्व के लिए चुनती है, ये उनके ऊपर निर्भर है। मेरा तो प्रयत्न हमेशा यही रहा है कि जो भी दायित्व मिला है उस दायित्व को हम अच्छे से अच्छा करें जी। और राजनीति ये जन सेवा का बहुत सबल माध्यम है जी, और इसके माध्यम से हम जो लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, वो प्रयत्न जो भी दायित्व रहेगा उसमें करता रहूँगा, करता रहा हूँ जी, यही मेरी सोच है। और जहाँ तक क्या काम तय होता है ये पार्टी का है, मेरा विषय नहीं। निश्चित रूप से आज भी आपने जवाब गोलमोल करके दिया, आपने स्पष्ट नहीं किया कि आपकी इच्छा क्या है, चुनाव लड़ने की इच्छा है। ये सच जवाब दिया है मैंने, नहीं आ इच्छा चुनाव लड़ने की है आपकी, या फिर इसी तरह से किसी मंडल में बने रहने की इच्छा है? क्योंकि काम करना आपकी आदत में है, काम आपने महापौर रहते भी किया है, सांसद रहते भी किया है, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहते भी कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि वो निर्णय हम नहीं कर सकते, ये पार्टी निर्णय करेगी जी, और इसलिए पार्टी जो निर्णय करेगी उसको मान्य करेगी। निश्चित रूप से जो हमसे चर्चा कर रहे थे कृष्णमारी मोघे जी, जो विभिन्न पदों पर रहे, वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और कई सारी योजनाएं लेकर आए संगठन ने, और ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर खासा विश्वास करते हुए उन्हें मध्य प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। ग्वालियर सिटी को स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है, लोगों को आवास उपलब्ध कराना जो प्रधानमंत्री की योजना है उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। उनका ऐसा मानना है कि वो पार्टी जो जिम्मेदारी उन्हें देती आई है उसका वो निर्वाह करते आए हैं। फिलहाल वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि आने वाले समय में वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन
ये बात तय है कि कृष्ण मुरारी मोघे जैसे जो लोग हैं यदि पार्टी संगठन में साध कर रखती है, उनका इस्तेमाल करती है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। हमारे खास कार्यक्रम विशेष में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीजियाना न्यूज़।